दर्द का कसूर भी पता है, पर आशियाना उजड़ने पर आंसू रुके भी तो कैसे। अब जब सरताज ही उतारू है करने बेघर हमको, तो उम्मीद लगाए भी तो कैसे। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर अवैध बसे अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी है। सी न्यूज भारत की टीम ने जाना उनका दर्द, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इतना बड़ा दर्द, इतना छोटा सा दे दिया, क्या करेंगे हम लोग। आप कितना सुंदरीकरण करेंगे, आप कितनी जमीन ले लेंगे, कितनी रोड चौड़ी करेंगे। अवैध निर्माण ये यहाँ पक्ष में नहीं हूँ, पर कम से कम यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई जाती थी तो जो लोगों के आंसू हैं इनको लिए कोई विकल्प खोजा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोग रो रहे हैं जो बताते कहीं ना कहीं इनका दर्द सामने है। लोग अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने ही जमींदोज होते देख रहे हैं, पर उनके बस में कुछ भी नहीं। सरकार के समायोजित करने के तहत आवास तो दे दिए, पर उन सपनों और अरमानों का क्या जो ये घरौंदे बनाने के समय देखे गए थे, जिनमें बच्चों के जन्म के समय की खुशी, उनकी किलकारी का आनंद और बुजुर्गों के गुजरने का दर्द सब महसूस किया। जहां कोई डोली में ससुराल भी आई थी तो किसी की अर्थी भी उठी थी। पर कितना भी कह दो, दर्द तो दर्द ही है। यहाँ कसूरवार अवैध निर्माण करने वाले तो हैं ही, पर यहाँ सबसे बड़े कसूरवार वो व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी महकमे द्वारा इनसे बिजली का बिल लिया गया, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी लिया गया, इनको कागजों पर भी मजबूती दी गई। फिर ये अवैध कैसे, और अगर हैं तो सरकारी महकमे पर कब कार्यवाही होगी, उन नेताओं पर कब कार्यवाही होगी जिन्होंने इनको बसाया था। पर फिलहाल वो सभी भी यहाँ इनको अवैध बताने में लगे हैं, पर गलत गलत ही होता है और अवैध अवैध ही। कार्यवाही के जद में बसने वाले ही क्यों, बसाने वाले भी आने चाहिए। फिलहाल ध्वस्ती करके यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, पर कार्रवाई के जद में जो परिवार आए हैं उनके आंसू बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ विकल्प खोजे जा सकते थे। विकल्प की बात, मैं यहाँ पर अवैध निर्माण के यहाँ पक्ष में नहीं हूँ, पर कम से कम यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई जाती थी तो जो लोगों के आंसू हैं इनको लिए कोई विकल्प खोजा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लोग रो रहे हैं जो बताते कहीं ना कहीं इनका दर्द सामने है। कुछ महिलाएं हमारे सर, क्या दिक्कत बताइए। दिक्कत क्या, अब इतना बनाया, पूरी मेहनत से सारा पैसा लगा दिया, अब कुछ भी तो नहीं बचा। मकान देने की बात गवर्नमेंट कर रही है, उसकी क्या कहेंगे? वो क्या, हम लोगों को वो नहीं चाहिए, फ्री में तो दे नहीं रही, कहाँ से किस्त देंगे, मुआवजा कुछ दे तब भी या कुछ देते हैं ऐसा कि मतलब बड़ा परिवार कहाँ रह पाएंगे उसमें छोटे से घर में। कितने लोगों का परिवार है आपका? हम लोग 8 लोग हैं। 8 लोग परिवार है, मकान जी, एक मिला है? हाँ, मकान एक मिला है जी, मकान एक मिला है। तो उसमें परिवार आपका रह नहीं सकता, बड़ा परिवार रह पाएगा? बस 2 लोगों का उसमें रहने का है जगह, बस कहाँ कौन रहेगा। आपको लगता कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था विकल्प बनना चाहिए था? बहुत बिल्कुल हो सकता था, इसमें विकल्प अगर खोजे जाते बहुत से विकल्प बन सकते थे। आप कितना सुंदरीकरण करेंगे, आप कितनी जमीन ले लेंगे, कितनी रोड चौड़ी करेंगे, लेकिन कम से कम जो घर बने हुए थे उनको तो कम से कम बख्श दिया जाता। सुंदरीकरण के नाम पर आप इतना गरीब परिवार कितने रहते थे, अब किसी का घर उजाड़ देना, 40-50 साल से हम लोग रह रहे हैं, आप नहीं पहले ही बता दिए होते कि हाँ नहीं रहना है यहाँ पर। सब वगैरह दिया तो क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए उनको सरकारी सब व्यवस्था, जब यही करना था तो। क्या कोई बेटा कुछ नहीं बोलना है, चलो ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इंडिया में देख लिया है इन्होंने, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है सरकार को। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोग यहाँ पर रो रहे हैं, उनके आंसू में बताते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई के किसी का दिल टूटा है, किसी घर टूटा है, और वो घर यहाँ पर लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ बड़े अरमानों के साथ बनाया है, क्योंकि घर बनाना इतना आसान नहीं होता, और सब जानते हैं कि घर बनाने के साथ साथ जहाँ पैसा भी लगता है, उम्मीदें लगती हैं, अरमान लगते, तब एक घर का निर्माण होता है, तब एक घर बनता है, और घर यहाँ पर टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तकलीफ ज़रूर है। अलग बात है अवैध निर्माण थे, यहाँ पर सरकार की कार्रवाई जायज है, पर कहीं ना कहीं विकल्प यहाँ पर खोजा जा सकता है। वो विकल्प जो यहाँ पर लोगों को एक राय देता, वो विकल्प जो यहाँ पर लोगों के
आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी देता कि अगर हमको यहाँ से हटाया जा रहा है तो एक बेहतर विकल्प के रूप में हमको समायोजित किया जा रहा है। तो फिलहाल वो विकल्प यहाँ पर हमको नज़र नहीं आया। वो लोगों के यहाँ पर आंसू बता रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई जरूर हो रही है। सरकार भले ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण की व्यवस्था को लेकर नई पहल करने जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दर्द बताते हैं कि इन आंसुओं का विकल्प भी खोजा जा सकता, जिससे यहाँ पर दर्द नहीं बल्कि खुशी होती। तो शायद यहाँ पर कार्रवाई के लेकर एक जो अंदेशा था वो यहाँ पर गलत साबित नहीं होता, पर फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई की जड़ में जिस तरह से लोग आए हैं, कहीं ना कहीं बताते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी व्यवस्था की जा सकती है। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। फिलहाल इस कास्ट रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।